अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HFN एंटरटेनमेंट। हम लोगों ने कुछ जो स्पीशीज़ हैं जो कि डेंजर जोन के अंदर हैं, हम लोगों के अब जंगलात में नज़र नहीं आती हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की और दिखाया कि किस तरह से लोग उनकी सेंचुरीज बना के उनकी ब्रीड को ज़्यादा कर रहे हैं ताकि वो सेव हो सकें इन्वायरमेंट के अंदर। अभी एक पूरे जंगल टाइप जगह पर हूँ मैं और तकरीबन ये 5000 एकड़ का रकबा है और पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा ये जो है इसको हम फार्म कह सकते हैं या हिरणों का जंगल जहाँ पे सब बहुत ज़्यादा हिरण है। तो ये हमारी टीम है पूरी, ये जोनी भाई, बिस्मिल्लाह भाई, कासिम भाई और ये अपने हसन भाई। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वर्किंग हो रही है, किस तरह से जानवरों को बचाया जा रहा है। कासिम भाई बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि जो जो वो चीज़ें खाते हैं वो चीज़ें उगाई गई हैं, ऐसे हैं कासिम भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें उगाई गई हैं। आज आगे साथ साथ चलते हैं और वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर खुद ही वो जड़ी बूटियां तलाश करते हैं, वही खाते हैं और खुद ही वो खाते हैं। बिल्कुल, सूरज हमारे पीछे से है तो लाइट के लिए थोड़ी सी मैं माजरत चाहता हूँ। इसमें जो है तो सारे इसमें दरख्त भी लगे हुए हैं, माशाल्लाह इसमें जो भी फ्रूट फल है वो भी इसमें लगे हुए हैं, जैसे जम्मू है, जामुन है, ये सारे लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, इनके लिए ग्रेट फ्रूट लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पट्टे पुट्ठे लाकर डालते हैं, खुद ही खाते हैं सारा? नहीं, पट्टे भी लाके आते हैं, पट्टे भी एक टाइम पे आते हैं, इनको देते हैं, छोले देते हैं। अच्छा। मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तो रियासत थी, हुकूमत थी मीर साहब की, उनके लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इधर बिल्कुल बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। यहाँ पर कौन कौन सी नस्ल है इस टाइम? इस पे इसमें इस वक्त जो है ब्लैक बक है, चिंकारे हैं, हॉग डियर्स हैं और नीलगाय हैं, चीतल है, इधर सारे जो भी जानवर हैं माशाल्लाह, जो भी वाइल्ड लाइफ वाले जानवर है वो मीर साहब के पास। तो ये आपस में घुल मिल नहीं जाते हैं, ब्रीड मुख्तलिफ हो गई है, क्या सीन है? क्योंकि सारे इतनी बड़ी जगह पे खुले कट्ठे छोड़े हुए हैं। नहीं, असल में जो ये बड़ा जो ब्लैक बक है तो ये उसके ऊपर बहुत मुश्किल क्रॉस करते हैं, चिंका मतलब ये आपस में अपने ग्रुप बना के रहते हैं। हाँ हाँ, ये इनका अभी देखो आपके सामने है जो ब्लैक बक है, ब्लैक बक हो गए, चिंकारे हो गए। हम जाएंगे तो भाग तो नहीं जाएंगे? नहीं, भाग नहीं, जाएंगे, इतने नहीं भागेंगे बिल्कुल। वैसे तो है तो वाइल्ड लाइफ जैसा सिस्टम, डरने वाले हैं लेकिन लोग इसको हाथों पे फीड करवाते हैं तो इतना नहीं है माशाल्लाह, इतना बड़ा इशू नहीं है। हम उसी तरफ जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। और ये हमारे जोनी भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और ये यहाँ पर जो है अभी हम लोगों के एक अच्छा खासा ना बड़ी सेंचुरी बन चुकी है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। भाई फोन बंद कर दें एक मिनट के लिए, क्या फीलिंग हो रही है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है आपका यहाँ पे आके? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, तबीयत खुश हो गई है, बहुत बड़ा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फार्म हिरणों का यही है मेरे ख्याल और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ना इतने ज्यादा कभी भी नहीं देखे ये ब्लैक बक जो हमें सामने नजर आ रहे हैं जी, इतने ज्यादा मैंने ब्लैक बक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। क्यों हसन भाई? बिल्कुल, आप तो फिरते रहते हैं, आपने कितने देखे आज तक? इतनी क्वांटिटी में नहीं देखे, इतनी क्वांटिटी में कभी नहीं आपने देखे? ज्योग्राफिया पे देखे, लाइफ में कभी नहीं देखे। ज्योग्राफिया पे भी वो हट वगैरह होते हैं 20-25 तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में। कितना होगा ये इधर जो है? कम से कम 2500-3000 है, 3000 है ब्लैक बक। अभी एक साइड आपने देखी है, दूसरी साइड आपको यार माशाल्लाह हॉप डियर, कसम से बुरी भैंस है ये तो। ये तो पाकिस्तान में कहाँ भी इतना हैवी जानवर हॉग डियर का आपने नहीं देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो कैसा है उसका, देखो बहुत ज्यादा सेंचुरीज पे गए। क्यों सोनी भाई, आप मेरे साथ कितना घूमते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो पूरी एक गाय खड़ी हुई है, बड़े साइज में है। असल में जगह बहुत बड़ी है, ये जंबो साइज है, इधर ही पाकिस्तान में कहाँ भी आपको हॉग डियर की साइज। ये मेरा ख्याल है कि मुझे 150 किलो का लग रहा है, ये बिल्कुल कंफर्म है 150 किलो का। ये कम से कम भी हॉग डियर हम लोगों को 150 किलो का लग रहा है। अभी मैं इनको कवर करके दिखाता हूँ। वो हॉग डियर खड़ा हुआ है सामने, ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड पे, काफी दूर है क्योंकि पास जाएंगे भागने का खतरा होगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। यहाँ पर सारे आपको ब्लैक बक नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लैक बक है यहाँ पे, वो सामने आप देख सकते हैं। हॉग डियर उस साइड पे फिर रहे हैं और स्टार्टिंग में हम लोगों ने ना वहाँ पे चिंकारा देखे थे, काफ़ी ज़्यादा चिंकारा वहाँ पे फिर रहे हैं, लेकिन वो हमारी गाड़ी का साउंड सुन के भाग के आगे निकल गए, तो इसलिए हम लोग फिर पैदल उतर के आने लगे। काफ़ी अभी अंदर चलते चलते बातें करते करते बहुत अंदर आ चुके हैं और काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं उनके। अभी मैं इनके क्लिप्स वगैरह लेता हूँ फिर यहाँ पर जाके ना करीब। आ जाओ बिस्मिल्लाह भाई, अभी हमारी हैंडलिंग जो है, आ जाओ आगे आ जाओ।
बिस्मिल्ला भाई कर रहे हैं, धोनी भाई जो है ऐसा ऐसा करके आगे जा रहे हैं ताकि वो भागे ना, जितना कवर कर सकेंगे आपको दिखाएंगे। और इनकी सेहत वगैरह, इनकी हेल्थ और किस तरह से यहाँ पर इनके ऊपर वर्किंग हो रही है, कितनी ब्रीड आ रही है, सारा कुछ आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। और जहाँ तक आप नज़र दुराते हैं, आपको या तो पहाड़ नज़र आते हैं या फिर वो इनके लिए कोई पानी का एक अलग से निज़ाम बनाया हुआ है, चश्मा टाइप वो है, और खुले हिरन आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाएं, यहाँ पे हम जब आए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हिरन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी सारे हमें देख के भाग चुके हैं दाएं बाएं से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चारा पड़ा हुआ जिस वजह से ये अभी तक खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे जोनी भाई भी शुरू हो गए हैं डॉक्यूमेंट्री करनी अपनी, और पैर में इनके कुछ कांटा शरीफ लग गए हैं। क्यों जोनी भाई? कुछ लग गया पाँव में। अब वो हमें देख के ना थोड़ा भागने लग गए हैं, वो आगे निकल जाएंगे। और भी यहाँ पे काफी सारे जानवर हैं, नील गाय हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने एंट्री की है। माशाल्लाह अपने वो शहनशाही अंदाज में जिस तरह वो जंगलों में चलता था, मुंह उठा के चेहरा उठा के सींगों की नुमाइश करते हुए, वैसे वो चल रहे हैं। आ गए ताकि डर के भाग ना जाए, जितना करीब इनके जाएंगे ना। अब यहाँ पर आप ये ब्लैक बक की सेहत चेक करें, ज़ूम करके दिखाएंगे आगे थोड़ा और भी कैसे माशाल्लाह हटे कटे और फूले हुए हैं। दिखाएं, मैं दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह सेहत इनकी चेक करें। आपस में उनके मुकाबले चल रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है हमारा ज्यादा आगे जाना बेहतर नहीं होगा। अच्छा, अगर वो हम आगे देखें तो हमें चिंकारा भी नजर आ रहा है, लेकिन उसका एक अलग ही हट बना हुआ है, वो एक आपको अलग ही इलाके में नजर आएगा। तो ये मेरे इस साइड पे आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारा जो है ब्लैक बक नजर आ रहा होगा, पूरा एक हट जा रहा है। यहाँ से देखें बिल्कुल सामने जाते हुए आपको बहुत सारे ब्लैक बक नजर आ रहे होंगे, ये मेल भागते हुए जा रहे हैं सामने। आप उस तरफ देखें, उधर से बहुत सारे ब्लैक बक आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए हैं। और अगर थोड़ा सा हम लोग और से देखें, वो आगे जो है ना वहां पर चिंकारा खड़े हुए, इस टाइम काफी सारे चिंकारा हैं वहां पे। तो ये सेंचुरी जो है ना बड़ी मजेदार है यार, यहाँ पर जानवर खुश भी बहुत हैं, जानवरों की सेहत भी बहुत अच्छी है। अब हम लोग फाड़ा ढूंढेंगे और मेरे जानवरों की सेहत को भी क्लास दे रखा। आपके जानवरों की सेहत तो यार इनका कुछ भी नहीं, बहुत हैवी है माशाल्लाह। इन्होंने मेरे जानवरों की सेहत, असल में ये एनवायरनमेंट बहुत बड़ा दिया हुआ है ना इन्होंने, बहुत ही ज्यादा बड़ा दिया हुआ है माशाल्लाह। इतना दिल खुश हो रहा है इनके माहौल को देख के, तुम्हारा क्या बताऊं। अच्छा, ये हम लोग थोड़ा आगे आए हैं, कहाँ पे हैं वो रे देखो नीचे 8-10 दाने इधर ही बैठे हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, काफी ज्यादा दूर है तो हम लोग आ जाओ ना भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे चले चले, ये आगे चलते हैं और आप लोगों को चिंकारा दिखाते हैं। अभी एक सेकंड, कहाँ पे? ये रे इधर ही, अब एक जगह पे बता रहे हैं और हसन भी बता रहे हैं, वो सामने हम लोगों को चिंकारा नजर आ रहे हैं ये दरख्त के नीचे। ये तो हम लोग जरा सा पास जाएंगे निकल जाएंगे ना, ये तो हम जरा सा पास जाएंगे निकल जाएंगे, बल्कि वो यहाँ से देख के हमें भाग रहे हैं। भाई कुछ दिखा रहे हैं क्या है बिस्मिल्लाह भाई? हॉप डियर, वो सामने भाई हॉप डियर हमें नजर आ रहा है, लेकिन बहुत दूर है वो। हाँ, यहाँ पे हर तरफ हमें जो है हिरण ही नजर आ रहे हैं, अभी तो हम लोग काफी आगे आ गए हैं वहां से।
अली अभी हम लोग ना अभी हम लोग फाड़ा ढूंढ रहे हैं, बट वो होता ये है जैसे ही हम लोगों को दूर से देखते हैं और वो स्पीड में ऐसे भागते हैं नजर ही नहीं आता गया कहाँ पे, एक मिनट भी नहीं लगता। तो दो तीन बार उसके करीब जाने की कोशिश की है, अभी थोड़ा पथरीला इलाका है यहाँ पे जहाँ पे आए हुए, थोड़े पत्थर पुत्थर यहाँ बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और इन्वायरमेंट हर लिहाज से जो है ओरिजिनल देने की कोशिश की। अभी मैं उस साइड पर भी जाऊँगा, वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि दरख्त वगैरह लगे हुए हैं गर्मी सर्दी से बचने के लिए, छाँव वगैरह के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जाके भी। कासिम भाई हाथ नहीं आते, मतलब दूर से देख के भाग जाते हैं। ये तो जैसे समझो तो जंगल वाले जानवर तो ऐसे होते हैं, ऐसे तो नहीं, टेम तो वो होते हैं जो खुद बंदा उसको देखभाल करे, हाथों पे खिलाए। छलांग कितनी ऊंची ऊंची लगाते हैं? ये तो 20-20 फुट की छलांग लगाते हैं। सही, 20 ऐसे आते हैं, 20 फुट की छलांग, एक मिनट भी नहीं लगता। अभी दूर से देखते हैं, चिंकारा बड़ा तेज है, पथरी जमीन है, इस वजह से इसमें भी वो इतना जंप लगाते हैं, इससे भी नहीं डरते। सही बात है, बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगाई है। ये पत्थर क्यों डाले हुए हैं यहाँ पे? बस ये शुरू से इधर पहाड़ था तो उसी वजह से। वो फाड़ा मुझे नजर आ रहा है, दरख्त के नीचे हैं सारे फाड़े, बहुत है बहुत। लेकिन ये तो काफी में बहुत बड़े हैं बाकी फाड़ों से। भाई ये इतना हैवी जानवर है क्या बताएं, ये इतना बड़ा क्यों है उन बाकियों की निस्बत? ये तो असल में आप देखते हो तो इनको नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल वाली जिंदगी है, लाइफ है इनकी, और हरा भरा जंगल है। इसके लिए मीर साहब ने फ्रूट हुआ है, बहुत फ्रूट है जो इधर आगे चलेंगे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। चले उस तरफ भी चलते हैं। सारा वो फ्रूट ही फ्रूट है, ठीक है, जानवरों के लिए। अच्छा अच्छा, अभी लोग इधर फाड़ा यहाँ से जूम करके देखते हैं कि शायद वो कवर हो जाए। हाँ हो जाएगा। हम लोग ना आगे आगे जाई जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना वो काफी आगे आ चुके हैं अभी, और अब कुछ आगे इस तरह की जमीन आ गई है। लेकिन वो जोनी भाई कर क्या रहे हैं? भाग जाते हैं, उनके करीब जाते हैं तो वो भाग अभी जाते हैं। तकरीबन आप लगा लें कि 1 किलोमीटर का गैप होता है। हाँ, दूर होते हैं तो वो भाग वो जाते हैं। 3-4 किलोमीटर और आगे निकल जाते हैं। जगह बहुत बड़ी है ना, ये 5000 एकड़ जगह है। अभी हसन भाई पकड़वा सकते हैं, अगर पकड़वाने हैं मतलब के शूट करवा सकते हैं हसन भाई? क्यों हसन भाई? नहीं नहीं भाई, शूट नहीं कराएंगे, शूट यहाँ पे अलाउड नहीं है। और भाई शूट, वीडियो शूट करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो शूट कराते हैं इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं, अभी आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। यहाँ पे चला भी नहीं ना जा रहा। हाँ, बस ये सारा पथरीला इलाका है, पत्थर मतलब पहाड़ के ऊपर इन्होंने मिट्टी डाल के उसको पूरा, मना इसके जबल है, कच्चा है, और रेतीला इलाका भी है, मिट्टी वाला इलाका भी है, तीनों इलाके इन्होंने। तीनों किस्म के हिरण भी है ना यहाँ पे? जी, जी जी जी, रेत वाले भी हैं, वो फाड़े भी हैं, और क्या नाम है उसका, कौन सी ब्रीड होती है, चिंकारा ब्लैक बक। ब्लैक बक रेतीले इलाके का ना, ब्लैक बक सहराई इलाके का है। हाँ, तो अभी फाड़ा यहाँ पे हमने भागते हुए देखे थे, अभी जूम करके देखे शायद नजर आए फाड़ा वगैरह हमें। वो आगे चले गए, ये आ रहे हैं, मुझे नजर अब आ रहे हैं, लेकिन वो और दूर भाग गए हैं, निकल गए वो वहां से भी। चले करते हैं कुछ, असल में बंदे बहुत ज्यादा हैं हमारे साथ, वो पीछे भी आ रहे हैं, कोई 3-4 बंदे पीछे खड़े हुए हैं, 4 बंदे हम लोग जा रहे हैं अभी, तो जाहिर सी बात है कि वो इतने सारा इतने, हाँ आप नजर आए हैं, इतने सारे बंदे देखे ना भाग जाते हैं। कहाँ पे हैं वो, नीचे? हाँ, पहले आप बहुत ज्यादा हैं, तो ये कहीं सिंह सूंघ तो नहीं प्रो देंगे मुझे अकेले को देख के? नहीं, नहीं, पहले ज़ूम करें, निकल गए वो, निकल गए सारे, निकल गए, कोई नहीं पकड़ लेते इनको, किधर जाएंगे। आ गए, बस आ गए, नहीं दिख रहे भाई, नहीं दिख रहे, वो नीचे हैं, बहुत दूर है, दिख रहे हैं, लेकिन वो मजा नहीं वो आ रहा जो मैं करीब से दिखाना चाह रहा हूँ, वो कम से कम 2 किलोमीटर दूर है हमारे से। जानवर करीब से नहीं नजर आते। हाँ यार, जंगल के जानवर यार, मुझे सच में इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इतनी दूर होंगे जानवर ये। मैंने सोचा था कि बस हाँ होगा, वहाँ पे आराम से नजर आ जाएंगे, पिंजरे पुंजरों में होंगे। आ रहे हैं मैदान में, वो मैदान वाली साइड पर जा रहे हैं।